नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 15, ईशावास्योपनिषद श्लोक 15। ये जो अब कुछ श्लोक ईशोपनिषद के मुनियों ने रचना किए है वो थोड़ा और एक सेट हो गया। पहले विद्या विद्या का एक सेट था, फिर संभूति असंभूति का एक सेट था, तीन तीन का सेट था ना, और पहले इंट्रोडक्शन था। तो अभी ये जो है वो अंतिम चरण में आ गए हैं इस उपनिषद। यह उपनिषद कितना उत्तम है ये तो आप जानने लगे हो, लेकिन मैं बार बार कहता था इसका अंत है जो फिल्म के जैसे क्लाइमैक्स में, जो अच्छी फिल्म होती है इसके क्लाइमैक्स में जो एक ऊंचाई पर ले जाता है अच्छा डायरेक्टर अच्छा लेखक, उस प्रकार है कि ऊंचाई पर लेके गए हैं। अब उस ऊंचाई की शुरुआत है, पहले हम कुछ ऊंचाई पर गए फिर हमें कैलाश से दिखाई दिया। तो कैलाश क्यों ऊंचाई अलग लेवल की है, थोड़ा प्रतल है और फिर एक डोम है, तो ऊंचाई पे ऊंचाई इस प्रकार से है। तो अभी इस 15वें श्लोक से हम ज़्यादातर चिन्मय स्वामी के अनुसार जाएंगे। सत्यव्रत जी भी है लेकिन वो इधर कहते हैं पोषण चाहने वाले उपासक, नहीं चिन्मय स्वामी कहते हैं कि ये सूर्यदेव है। पोषण का मतलब ये क्या बात कर रहा है बता रहा हूं, ये पोषण मतलब सूर्य भगवान की प्रार्थना कर रहा है। और कौन कर रहा है? जो अपने शरीर को त्यागने वाले यानी कि मरणासन्न ऐसे एक व्यक्ति है और वो लेट कर ध्यान कर रहे हैं, मतलब मरणासन्न है ना, बैठ कर कैसे करेंगे, तो लेट कर ध्यान कर रहे हैं और अपने शरीर छोड़ने से पहले सूर्यदेव से बात करते हैं। हमारे यहां सूर्यदेव का बहुत महत्व है। परसों एक रील वीडियो में देखा तो देवता का मतलब बताया था, जो हमारे लिए फैसिलिटेट करती हैं वो देवता है, अच्छा बताया, वो कोई यंग लड़का था। तो सूर्य देवता पहले देवता क्यों हो गई? क्योंकि सूर्य से ही तो सब कुछ है ना। परब्रह्म ये हमारे दिमाग में बाद में सोच आई, कंसेप्ट आई, पहले सूर्य हुए उससे नवग्रह हुए और बाकी ग्रहों पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर इतनी जीव सृष्टि हम उस पे उसमें से है। जो ऑलमाइटी है, हमने एक बार लिखा था बोला था कि ऑलमाइटी है वो अनेक कैसे हो सकते हैं? जीवन देने वाले सूर्य जो पृथ्वी के हर जीव को जीवन देता है, एक दिन सूर्य बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सृष्टि चल जाएगी। 6-6 महीने चलती है नॉर्वे में, नॉर्दर्न एरिया में नहीं दिखता है तो, लेकिन वो दिखता नहीं है, होता है, लगता है हमको कि सूर्य नहीं है। जो ऊर्जा है वो सब सूर्य की है और सूर्य के ऊर्जा के बिना ये पृथ्वी नहीं रहने वाली और कोई जीव नहीं रहने वाला। तो हमारे धर्म का ही ऑलमाइटी गॉड अल्लाह ईश्वर यहोवा ये एकमेव ऑलमाइटी है, ये मानना इतना गलत है कि पूरे जीव सृष्टि का ही ऑलमाइटी एक प्रकार से सूर्य है, एक ही है, 10 ऑलमाइटी है ही नहीं। ये तो भौतिक जीवन का है, तो पारमार्थिक जीवन में कहां से ऑलमाइटी लाओगे? 10-10 ऑलमाइटी सारे विश्व को उत्पन्न कर रहे हैं, चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऑलमाइटी एक ही है, नाम अलग अलग दे रहे हैं। तो चलो ठीक है, आज एक यूट्यूब पे भी है और लिंक्डइन पे है, सब जगह ब्लॉग पे है, एक पोस्ट है, जरूर पढ़ लेना, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया है, धर्मों की रचना कैसे हुई इसके बारे में। आज का विषय तो सूर्यदेव है, देवता से की हुई प्रार्थना है ना। तो चले देखते हैं क्या बोलते हैं मुनि भाई।
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं उषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थ है कि हे पूषण, सत्यव्रत जी बोलते हैं, पूषण मतलब साधक, नहीं चिन्मय स्वामी ने बराबर बोला है कि पूषण मतलब सूर्यदेव। तो सूर्यदेव से क्या कहते हैं कि हे भगवान सूर्य नारायण, आपका जो ये सोनेरी सुवर्ण जैसा चमकने वाला पात्र जैसा है ना आकार, कैसा है? सूर्य कैसे दिखाई देगा ना, यहां से हम देखते हैं ऐसे है ना, पात्र जैसा। तो ये तुम्हारा पात्र है, दोस्ती कैसे होती है भगवान से, मेरी बात कैसी होती है मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे थोड़ा मैं कैसा आदमी हूं पता चला है क्या आपको? चला होगा आज तक। तो चलो मैं तो अलग भाषा में बात करता हूं, लेकिन उनकी पावर इतनी है बात करने की, मेरे तो कोई पावर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लो हो जाता हूं। ये तो बड़ा हाई हो जाते, ऊंचाई इतने लेके जाते हैं। तो खुद सूर्यदेव को बोलते हैं कि अरे भैया, ये जो तुम्हारा पात्र है इससे ढक गया है, सच तो ढक गया है, थोड़ा दूर करो, क्योंकि मुझे सत्य धर्म को देखना है। अब मेरे अंतिम घड़ी आ गई है, मुझे सत्य धर्म को देखना, सच क्या है वो देखना, और वो सच क्या है उसमें ये जो चमक आप डाल रहे हो ना, उसके कारण, चमक धमक के कारण वो दिखाई नहीं देता। जनरली क्या होता है, चमक धमक के कारण, प्रकाश के कारण चीजें दिखने लगती है ना, लेकिन ये सत्य धर्म उससे दिखता नहीं है, क्योंकि इस प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से भौतिक जीवन दिखता है। एक सूर्य रहता है सारा तारांगण नष्ट हो जाता है, दिखाई देगा कुछ बादल है, कुछ नीला आसमान है, लेकिन इसे और कुछ देखना है तो अमावस की रात होनी चाहिए, पूर्णिमा की भी नहीं चलेगी, चंद्र महाराज होंगे तो वो भी इतना प्रकाश करते हैं, अच्छी तरह से तारे नहीं दिखाई देते। तो यदि आपको सामने की चीज देखनी, अभी मैं इस खिड़की को देख रहा हूं तो सूर्य जी हैं, इस कंप्यूटर को देख रहा हूं, एक अच्छा सा चित्र भी सत्यव्रत जी ने डाला है वहां पर, तो वो देख रहा हूं, दिखता है इतना ही दिखता है, बादल बरखा दिख जाएगी, किसी ऊंचाई के शिखर पर चले जाओगे तो आसपास का बहुत सारा एरिया दिखाई देगा, लेकिन आपको विश्व देखना है तो पूर्णिमा भी नहीं चलेगी, पूर्णिमा के दिन भी तारांगण अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा, क्या दिखता है वो? तो सूर्य भी नहीं चाहिए, चंद्र भी नहीं चाहिए, फिर पूरा तारांगण दिखेगा, इतना खूबसूरत दिखता है। तो ये तारांगण में दिखने वाली ही चीज है, और ये सत्य तो उसके भी परे है। तो पहले तो आप अपना जो मैं आप रहोगे तो मुझे सब भौतिक चीजें ही दिखाई देती है ना, और मुझे भौतिक चीजें नहीं देखने, उससे आगे चले जाना है, इसलिए थोड़ा हट जाओ, फिर आंखें मूंद लेंगे और दिखाई देगा सच का धर्म। मनन किया आसन पे है, सूर्य को दूर होने के लिए कह रहे, सत्य को देखना चाहते हैं, मरते वक्त दुखी नहीं है, दर्द नहीं है, जाने की तैयारी है। ऐसे ऐसे एक श्लोक, ऐसे विजन विचार देते हैं ये लोग, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी भी गीता से ज्यादा उपनिषद के बारे में बोलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं गीता कम है, गीता तो बहुत बढ़िया है, इससे तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन विस्तार है ना उपनिषद में,
तो स्वामी जी वेद के बारे में कम बोलते, वेदांत मतलब उपनिषद के बारे में बोलते, और इतना मूड आ जाता है स्वामी जी को कभी कभी, वो थे हे मानव उठो और सुनो ये उपनिषद उच्चारों से क्या कह रहे हैं। एनर्जी हो जाती है। आज के लिए काफी है।